अधर्म पर धर्म की जीत। अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। हमारी वो तमाम पौराणिक कथाएं जो हम अक्सर ग्रंथों में लिखी पाते हैं, उनका एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही वैभव से पूर्ण प्रेजेंटेशन होता है हमारे इस छऊ नृत्य में। और ये प्रेजेंटेशन जो आप यहाँ पर अपनी आँखों से इस लाइव स्टेज पर देख पा रहे हैं, वही प्रेजेंटेशन इस कैमरा के जरिए हजारीबाग के घर घर तक पहुंच रहा है, जिसके लिए श्रेय जाता है ईटीवी को। और हमारा सौभाग्य है हमारे बीच इस समय ईटीवी हेड मौजूद हैं, जिनका हम मंच पर स्वागत करना चाहेंगे। श्री जगदीश चंद्रा जी, ईटीवी हेड, उनसे हमारा निवेदन है कि वे मंच पर आए। तो दोस्तों, ये कोनार महोत्सव की भव्यता है कि केवल आप लोग यहाँ बैठे हुए ही नहीं, बल्कि अपने घर में बैठे हुए हर एक हजारीबाग के नागरिक को ये कोनार महोत्सव देखने का मौका मिल रहा है ईटीवी के जरिए। और इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे जगदीश चंद्रा जी का, ईटीवी हेड, जो हमारे बीच मौजूद हैं, जो इस समय मंच पर पधारने वाले हैं। जब बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, बहुत सारे लोगों का संकल्प होता है, तब जाकर इस तरह का मंच सजता है, इस तरह का उत्सव होता है, तभी इस उत्सव को सिर्फ उत्सव नहीं, महा उत्सव कहते हैं। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि जगदीश जी जब मंच पर आए तो उनका तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत अभिनंदन जगदीश जी। श्री जैन सिन्हा जी से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि वे मंच पर पधारें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जैन सिन्हा जी। हजारीबाग के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना है ये कोनार महोत्सव। ये पहला साल है कोनार महोत्सव का, और मुझे यकीन है कि ये सिलसिला जो इस साल 2016 से शुरू हुआ है, वो बहुत बहुत साल तक आगे भी बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। आप लोगों के उत्साह से पता चल रहा है कि वाकई अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और हर दिन बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ होंगे, आप सबके मनोरंजन के लिए, आप सबके उस जिंदा दिली के जश्न के लिए जिसके लिए हजारीबाग जाना जाता है। और हम स्वागत करना चाहेंगे जगदीश जी का फूलों के गुलदस्ते के साथ। तालियां हो जाए। और एक स्मृति चिन्ह हम भेंट करना चाहेंगे इस कोनार महोत्सव के उपलक्ष्य में। ये स्मृति चिन्ह जगदीश जी, ताकि ये कोनार महोत्सव हमेशा हमेशा इसकी स्मृति आपके पास रहे। बहुत ही खास मौका है हजारीबाग के लिए। और जगदीश जी, चंद शब्द हम सुनना चाहेंगे आपसे, आपके विचार व्यक्त करें इस महोत्सव को लेकर। आदरणीय जैन सिन्हा जी, सांसद जी, उपस्थित महानुभाव, कलेक्टर साहब, जिला प्रशासन के अधिकारी, मैं सबसे पहले हजारीबाग की जनता को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम उन्होंने किया। हम लोग बिहार में ईटीवी चलाते हैं, झारखंड में ईटीवी चलाते हैं, तो
तो जाना आना रहता है पटना तक, रांची तक, हजारीबाग तक आज पहली बार आना हुआ और 50,000 लोगों की भीड़ को देख के मन खुश हुआ, उत्साह बना और इतनी खुशी हुई कि मंत्री जी के मार्गदर्शन में और जिला प्रशासन के प्रयास से यहाँ की जो लोकल संस्कृति है, जो ट्राइबल जो वैल्यू सिस्टम है, जो कल्चर है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इतना शानदार 3 दिवसीय समारोह यहाँ आयोजित हो रहा है। कल भी हुआ, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूँ, खास करके जैन जी को बधाई देता हूँ कि वो दिल्ली में हजारीबाग की आवाज़ हैं। मैं अभी सड़क से आ रहा था तो कितनी शानदार सड़क हाईवे इन्होंने बनाया और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि झारखंड का आने वाला कल इनका है। ही इज़ द फ्यूचर ऑफ झारखंड और शायद ये पहले मंत्री हैं दिल्ली में जो मुख्यमंत्री के साथ इतना अच्छा तालमेल रखते हैं। आमतौर पर राज्यों में केंद्रीय मंत्री जो उस राज्य से आते हैं और मुख्यमंत्री, तालमेल नहीं दिखता है, इनका गजब का तालमेल है। तो ये जोड़ी है मुख्यमंत्री की और इनकी, ये झारखंड के विकास में और काम करे और आगे बढ़े और उनकी इस विकास यात्रा में ETV झारखंड पूरे तौर पर आपके साथ है, इनके साथ है। मैं एक बार फिर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम फिर से आमंत्रित करना चाहेंगे आपको अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। तो बहुत तारीफ मिल रही है आज हजारीबाग को और मानना पड़ेगा कि वाकई आप लोग इस तारीफ के काबिल हैं। हजारीबाग ने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है। अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए तो आप पहले से ही जाने जाते थे, फिर अपनी सांस्कृतिक संपदा के लिए जाने जाते थे और अब अपनी आधुनिक संपदा के लिए जाने जा रहे हैं। तो ऐसा जब जहां हो वहां पर जश्न तो मनता ही है, महोत्सव का बहाना तो है ही। और इससे पहले कि मैं अब और आपका वक्त लूं, मुझे पता है यहां पर बहुत से लोग हैं जो लागोरी बैंड का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप लागोरी बैंड को सुनना चाहते हैं? तो आप में से कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स देखी है लागोरी बैंड की? बहुत लोगों ने देखी है और मुझे यकीन है आप में से बहुत लोगों ने, हाँ जी, मुझे वहां तक भी आखिर तक मुझे नजर आ रहे हैं खड़े हुए हाथ। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको देख नहीं रही हूँ, हाँ मैं आपको देख रही हूँ। तो आप लोगों ने सिर्फ ऐड ही नहीं, उन्हें MTV में भी देखा होगा, स्टार वर्ल्ड में भी देखा होगा और झारखंड में और जगहों पर उन्होंने परफॉर्म किया है, वहाँ पर शायद आपने उनका लाइव परफॉर्मेंस भी देखा होगा। लागोरी बैंड रॉक से लेकर पॉप म्यूजिक और साथ में इंडियन क्लासिकल को भी मिक्स करते हैं, तो संगीत का एक इंद्रधनुष वो आपके सामने लेकर आते हैं। और अब ये इंद्रधनुष इस कोनार महोत्सव के मंच से वो आपके सामने लेकर आने वाले हैं। मेन वोकलिस्ट तेजस के साथ उनके तमाम संगी साथी और लागो